बागेश्वर के भैरू चौबट्टा गांव में ग्रामीण की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या, बलात्कार सहित अन्य अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सभी अपराधों में भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने भैरू चौबट्टा गांव में मनोज हत्याकांड की घटना का खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कहीं पर बलात्कार हो रहे हैं लगातार, कहीं पर हत्याएं की जा रही है और ऐसा ही मामला आज बागेश्वर में भी देखने को मिला है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, शनिवार का दिन बागेश्वर के लिए एक कलंक के इलाके आया है और पूरे बागेश्वर में भी कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है और हमारी यही मांग है जिन मनोज के जो हत्यारे हैं उन सबको फांसी की सजा मिले और जितने लोग उसमें संलिप्त हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए प्रशासन जल्द इस पर मुकदमा दर्ज करके आगे उचित कार्रवाई करे। और हम ये भी कहना चाहेंगे जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, जैसे भाजपा के लोग बागेश्वर जिले में ऐसे हत्यारों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि प्रशासन पे उन लोगों का भी दबाव है, हम ऐसे लोगों का भी खुलासा करने की मांग करते हैं। ऐसे लोगों का भी नाम सामने आना चाहिए जो लोग ऐसे निर्मम हत्या को भी संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। पिछले दो सालों से भाजपा की जो यहाँ पर सरकार है उत्तराखंड में, जो दो साल का जो कार्यकाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हत्याएं, अपराध और जो लचर कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं हमारे देवभूमि को यहाँ पर शर्मनाक करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत दिनों 29 तारीख को भैरव चौपट्टा में एक मनोज कुमार नाम के एक लड़के को यहाँ पर उसकी मर्मिक हत्या की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा पहले दिन एक को गिरफ्तार करते हैं और दो तीन दिन के बाद दूसरे को गिरफ्तार करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी ये घटनाएं हो रही है, क्यों भाजपा के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। विगत दिनों में हरिद्वार में देखिए भाजपा के कार्यकर्ता ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं उसी विधानसभा से उनके मंडल अध्यक्ष द्वारा एक नाबालिग का बलात्कार किया गया है। कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पर घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में लोग हैं उनके द्वारा हो रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे यहाँ पर देते थे, इन्हीं के शासन में हमारी माँ बेटियाँ हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें पुष्कर सिंह धामी जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था उनकी यहाँ पर उत्तराखंड को संभालने की उनकी कोई उनके बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए और हम यह अपील करते हैं कि जो भैरव चौपट्टा में मनोज कुमार जी के वो जो इन लोगों ने यहाँ पर उसकी हत्या और किया, जो दोषी है उनको हम फांसी की सजा दिन के यहाँ पर मांग करते हैं। अगर जल्दी से जल्दी इसमें कानून अगर यहाँ पर अपना जो भी और भी दोषी उनको नहीं पकड़ते हैं तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। देखिए हमारे भैरू चौबट्टा ग्राम सभा में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करके उसका शव जो है उसके ही गाड़ी के छत में टाक करके आत्महत्या शो कराने का प्रतीत करने की व्यवस्था उनके द्वारा की गई और हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी इसमें हैं जितने भी लोग हैं वो सब उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको जेल सलाखों के पीछे प्रशासन ने डालना चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश में बढ़ती हुई जो लचर कानून व्यवस्था है और अपराधों का जो बोलबाला हो रहा है और जो अपराधी दुस्साहस कर रहे हैं उससे जो है इस प्रशासन आज जो है नाकाम हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि समस्त कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि उनके गिरफ्तारी हो और जो पीड़ित परिवार है उसको तुरंत न्याय मिले। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।